गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोसिना योर मैथ्स टीचर. टुडे लेट्स लर्न अबाउट द प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म. प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू द पोजिशन इन द नंबर सच एज 1, 10 एंड 100 एक्सेट्रा. जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसी भी नंबर की पोजिशन के अकॉर्डिंग, जो वैल्यू हम रखते हैं उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं. आपका एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर हम 2, 3, 9, 7, 4, 6, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh. ओके, तो पुट द वैल्यू इन इन दिस कॉलम. तो 6 एट वन प्लेस, 4 एट 10 प्लेस, 7 एट 100 प्लेस, 9 एट 1000 प्लेस, 3 एट 10,000 प्लेस, 2 एट लैक प्लेस. हम इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, प्लेस वैल्यू डिफरेंट मेथड से निकालेंगे. तो ये फर्स्ट मेथड है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टेबल वाइज है, जो आपकी बुक की आंसर की है उसमें भी टेबल वाइज दे रखी है. तो हमें पता है कि ये 6 वन प्लेस पर है, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6. ये 4 10 प्लेस पर है, तो 10 से कर देंगे तो 40. ये 7 100 प्लेस पर है, तो 100 से कर देंगे तो 700. आपका ये 9000 प्लेस पर है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9000. ये आपका 10000 प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम 10,000 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 30,000 हो जाएगा आपका. इसी तरीके से ये 2 लाख प्लेस पर है, तो हम इसकी लाख पर लाख से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 लाख होगा. इस तरीके से आपके ये टेबल में आंसर दे रखा होगा सिर्फ ये कि 2 लाख, 30,000, 9,000, 7,000, 700, 46. हम इसको दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 प्लेस पर है तो 1 करके कर देंगे 6. इसी तरीके से 4 की करेंगे, 10 प्लेस पर है, 10 से कर देंगे 40. इसी तरीके से 700 प्लेस पर है, तो 100 से कर देंगे यहाँ पर, तो 700 हो जाएगा. 9 कौन से प्लेस पर है, 1000 पर है, तो 1000 से कर देंगे तो 9000 हो जाएगा आपका. इसी तरीके से 3 हमारा जो है वो 10,000 प्लेस पर है, तो क्या करेंगे, 3 की 10,000 से कर देंगे तो ये 30,000 हो जाएगा आपका. लास्ट आपका 2 लाख पोजीशन पर है, तो यहाँ पर हम इसकी 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, तो ये हमारा 2 लाख हो जाएगा. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh. ये इस डेट के लिए. अब हम इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. आपका ये जो मेथड है आपका 2, 3, 9, 7, 4, 6, ये 0 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है, ये 10,000 प्लेस पर है, ये लाख प्लेस पर है. तो ये तो 1 पे है तो 1 से करेंगे, 10 पर है तो 40 हो जाएगा आपका, ये 100 पर है तो 100 से करेंगे, 700 हो जाएगा. ये 9000 पे है तो 9000 हो जाएगा. 3 है तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 30,000 हो जाएगा आपका यहाँ पर. तो ये 2 into lakh प्लेस पर है आपका 2, तो हमारा ये 2 लाख हो जाएगा. इस डेट के लिए अगर हम इसको ट्रिकी मेथड से देखें तो हम इसमें क्या करते हैं, 110 ऐड करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं. यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 50 है. इस तरीके से हम 0 इंक्रीज करते जाते हैं और प्लेस वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी. अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू पर. प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन आर नंबर इज सेम एज द डिजिट इटसेल्फ.
जो जो आपकी फेस वैल्यू होती है, कोई डिजिट की जो उसकी अपीयरेंस होती है, जो उसका मेन स्ट्रक्चर होता है, वही हम एज इट रख देते हैं, वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू हो जाती है। जैसे कि आपका एक एग्जांपल हम लोग ले यहाँ पर लेते हैं, वी टेक, ठीक। अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वो, सॉरी प्लेस वैल्यू, तो द प्लेस फेस, सॉरी फेस वैल्यू ऑफ टू इज टू, टू की जो आपकी फेस वैल्यू है वो टू ही रहेगी। इसी तरीके से सेवन इज सेवन, इसी सेम एज फोर, फोर इज फोर, थ्री इज थ्री, फाइव इज फाइव, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। जो होती है सेम, वैसी डिजिट जो होगी सेम एज, वही हमारी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी इसकी। आपके अब आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, राइटिंग द नंबर एज द एडिशन ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। जो आपकी डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके, मतलब अलग अलग उसके जो प्लेस पर उनकी डिजिट को ऐड कर देते हैं, मतलब एक्सपेंड कर देते हैं, उसको पूरा खोल कर एक्सपेंड करके जब हम उसको शो करते हैं, तो वो उसकी क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। किसकी, प्लेस वैल्यू की। आपकी देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं यहाँ पर। आपका एग्जाम्पल हमने लिया 9596703। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इस एग्जाम्पल को हम टेबल वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, तो 9 कौन से पोजीशन पर है, लैक पोजीशन पर है। फिर हम इसको ऐड कर देंगे, 5 कौन सी पोजीशन पर है, 10,000 पोजीशन पर है, ठीक है। इसी तरीके से ये प्लस 6 कौन सी पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पर है। 7 कौन सी पोजीशन पे, 100 पोजीशन पर है। 0 कौन सी पोजीशन पे, 10 पोजीशन पर है आपकी। और आपका 3 कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पर है, ठीक है 1। अब हम इसको लिखते हैं, तो 9 इसकी लैक से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 लैख, 5 की 1000 से, 10,000 से कर देंगे, प्लस 6 की 1000 से, प्लस 7 की 100 से, प्लस 0 की 10 से, प्लस इसकी 1 से। अब हमारा क्या हो जाएगा, 9,000,009 लाख हो जाएगा यहाँ पर आपका। 5 क्या हो जाएगा, 5,000,000, इसी तरीके से 6 हो जाएगा, ये आपका 700 हो जाएगा, और ये इसकी 0 से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इसको हम सिंपल जो आपकी मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये एग्जांपल है, तो हम 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 50 लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, प्लस करेंगे, 5 लिखेंगे, इसी पे फोकस करो, 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, तो 40 लगा देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 के बाद 1, 2, 3 डिजिट है तो 30 लगा देंगे, 7 के बाद 2 हैं तो 20 लगा देंगे, 0 हम नहीं लिखेंगे, 3, तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू। इसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालेंगे, इस प्लेस वैल्यू को हम इस तरीके से, आप चाहें टेबल मैथड यूज़ करें, चाहे आप ये वाला मैथड यूज़ करें, ये वाला मेथड यूज़ करें, या कोई सा भी मेथड यूज़ करें, सभी मेथड आपके क्या हैं, सही हैं। अब हमारा एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, आपके जो बुक की एक्सरसाइज में जो आंसर दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं आपका, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7, 6, 9, 8, 2, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, बाद में आप ये लाइन कर लेना। अब हमारा 7 कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 6 10 प्लेस पर है तो 60 आ जाएगा, 9 100 प्लेस पर है तो 100 से कर देंगे, 8 हमारा 1000 प्लेस पर है तो 1000 से कर देंगे, और ये हमारा 2 10,000 प्लेस पर है तो 10,000 से कर देंगे। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको उस वाले मेथड से भी कर देंगे, यहाँ लाइन करके पूरे अच्छे से टेबल कवर कर लेंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेज सॉरी प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू ऑफ नाइन इन ये जो आपकी नंबर दे रखा है इसमें आपकी नाइन की प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू में डिफरेंट निकालना है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन. देखो बेटा 1, 10, 100, 1000 ये 9000 प्लेस पर है. 1, 10, 100, 1000 थाउजेंड पर है तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया. इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे. 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितने डिजिट है 1, 2, 3, 3 0 लगा दिए. ये हमारा 9 हो गया, 9000 हो गया. अब लिखेंगे यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ 9. फेस वैल्यू जो होती है सेम फिगर होता है वही फिगर आपको लिखना होता है 9. डिफरेंस का मीन्स होता है आपका सब्सट्रैक्ट करना. तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 9000 में से 9 को. ये आपका हो जाएगा इधर कैरी ले लेंगे यहाँ पर सॉरी बोरो लेंगे या 9, 9, 8 10 - 9, 1, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 1 सॉरी ये आपका आंसर हो जाएगा 8, 9, 9, 1. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज एक्सपेंडेड फॉर्म. इसको वही सिंपल मेथड से लिखेंगे. 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4 4 0 लगा देंगे. प्लस 0 नहीं लिखते हैं. ये आपका कौन क्या है 6. कितने डिजिट है 1, 2 5 के बाद एक ही डिजिट है 6. ये आपके एक्सेड में इस ये एक्सपेंडेड वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से भी सॉल्व कर देंगे. बट दिस इज़ द लॉन्ग मेथड, दिस इज़ द शॉर्ट मेथड. तो इस डेट के लिए एक क्वेश्चन आपका और है वो शॉर्ट फॉर्म निकालना है आपका. ये वाला राइट इन शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो ये क्वेश्चन आपका है. मैंने अभी नोट नहीं किया है, मैं आपको यहीं के यहीं क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपका. प्लस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा. तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ ऐड करेंगे, राइट से एडिशन शुरू करते हैं या सब्सट्रैक्शन राइट से लिखना शुरू करते हैं. शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 6, 0, 0, 8, 2, 1 तो 2, 0, 8, 0, 0, 6 ये आपका जो है शॉर्ट फॉर्म वाला भी कंप्लीट हो गया आपका. ओके, थैंक यू वेरी मच.